एवरीवन, नाउ वी कैन स्टार्ट अ क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई ऑफ एक्टिविटी 1 ऑन पेज नंबर 99। हमने 1 एंड 2 पार्ट कंप्लीट कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई करना है। आप क्या करोगे, बी एंड ई जो है वो आपका होमवर्क है, रफ नोटबुक पे प्रैक्टिस कर लेना है। बी एंड ई पार्ट का मैं आपको ए सी डी एंड एफ करवाऊंगी। ए पार्ट की स्टेटमेंट क्या है, 16.468 प्लस 3.03 माइनस 12.97। कहते हैं इस टर्म को सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई क्या करोगे, जो जो उन्होंने बोला है पहले वो करते जाएंगे। जैसे कहते हैं 16.468 को प्लस क्या कर दो, 3.03 के साथ क्या कर दो, ऐड कर दो, और बाद में जो भी आंसर आएगा उसे इसमें से माइनस कर दो। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, देखेंगे कि पॉइंट के बाद हाईएस्ट टर्म कितनी है। 1, 2, 3, इट मीन टू से डेट सभी की 3 टर्म्स कंप्लीट करेंगे, प्लस 3.030, 3 टर्म्स कंप्लीट हो गई, माइनस 12.970, इसकी भी 3 टर्म्स कंप्लीट होगी, इसकी भी 3 टर्म्स कंप्लीट होगी, और इसकी भी 3 टर्म्स कंप्लीट होगी। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, कहते हैं इन दोनों को क्या कर दो, प्लस 16.468 प्लस 030.3, इसको क्या कर दो, ऐड। बीच में किसका साइन था, प्लस का, इन दोनों को क्या कर दो, प्लस। अब हम प्लस करेंगे, 8 प्लस 0 कितने होते हैं 8, 6 प्लस 3 कितने होते हैं 9, 4 प्लस 0 कितने होते हैं 4, पॉइंट के नीचे क्या आ गया पॉइंट, 6 प्लस 3 कितने होते हैं 9, एंड नीचे क्या आ गया 1। अब आपके पास इन दोनों को ऐड करके कितनी टर्म्स आई है, 19.498। कहते हैं अब क्या करो, इसमें से ये वाली टर्म क्या कर दो, माइनस। अब हम ये वाली टर्म ऊपर लिखेंगे, 19.498, ये ऊपर लिखेंगे, नीचे नहीं लिखनी, क्योंकि 19 बड़ा होता है या 12, 19 बड़ा होता है, तो वो हमने ऊपर लिख ली, माइनस 079.21, इसमें क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट। क्लियर, अब क्या करेंगे, 8 माइनस 0 कितने होते हैं 8, 9 माइनस 7 कितने होते हैं 2, 4 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, इसने इससे बोरो लिया, यहाँ पे हो गया 19, यहाँ पे क्या हो गया 8, सॉरी यहाँ पे हो गया 14, 14 में से 9 माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 5, 14 में से अगर 9 माइनस करें तो कितना आता है 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 8 माइनस 2 कितना होता है 6, एंड 1 माइनस 1 कितना होता है 0, सो आपके पास आंसर कितना आया 6.528। क्लियर, इसको बोलते हैं सिंप्लीफाई करना। अकॉर्डिंग टू स्टेप वाइज गई, पहले इस टर्म को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट किया, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद जो भी आंसर है उसमें से ये वाली टर्म क्या कर दी हमने, सब्ट्रैक्ट। क्लियर, नेक्स्ट अब हम करेंगे सी पार्ट। ओके, नेक्स्ट है 777 माइनस 77.7 एंड नेक्स्ट इज 7.777। पॉइंट के बाद हाईएस्ट टर्म कितनी है, इसकी 1 है, और इधर कितनी है 3, मींस हाईएस्ट टर्म कितनी है 3, अब इधर हम 3 टर्म्स कंप्लीट करेंगे। जब नया ना दिया हो तो क्या कहते हैं, पॉइंट लगा के खुद लगाते हैं ना, यहाँ पे पॉइंट लगा लिया और आगे कितने जीरो लगा दिए 3। नेक्स्ट माइनस 77.700 एंड लास्ट वन इज 7.777। अब पॉइंट के बाद 3 टर्म्स जो है वो कंप्लीट हो गई। कहते हैं इस टर्म में से इसे क्या करो, सब्ट्रैक्ट। 777.000 माइनस 700.77, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, 0 माइनस 0 इज 0, 0 माइनस 0 इज 0, 0 में से 7 सब्ट्रैक्ट हो सकती है, नो, इसने इससे बोरो लिया, यहाँ पे हो गया 10, यहाँ पे क्या हो गया 6, 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट किए 3, पॉइंट के नीचे क्या आ गया पॉइंट, 6 में से 7 अगेन सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, इसने इससे बोरो लिया, यहाँ पे हो गया 16 और यहाँ पे क्या हो गया 6, 16 में से 7 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा 9, अगेन 6 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, इसने इससे बोरो लिया, यहाँ पे हो गया 6 और यहाँ पे कितना हो गया 16, 16 में से 7 सब्ट्रैक्ट किए 9 एंड यहाँ पे क्या आ गया 6, तो आपके पास टर्म आई 699.3000। क्लियर, अब इस टर्म में से ये वाली टर्म क्या कर देनी, सब्ट्रैक्ट, जो आंसर आया उसमें से ये वाली टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, 699.300 माइनस 777.7, इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। ओके, नेक्स्ट क्या है, 0 में से 7 सब्ट्रैक्ट हो सकती है, नो, ये इससे बोरो लेगा, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 9, 0 के पास खुद, 0 के पास खुद नहीं होता, वो नेक्स्ट वाले से मांगता है, तो यहाँ पे क्या हो गया 2। क्लियर, 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आया 3,
9 में से 7 सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आया 2, 2 में से 7 सब्ट्रैक्ट हो सकती है नो, इसने इससे बोरो लिया, यहाँ हो गया 8 और यहाँ पे कितना हो गया 12, 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट करें कितना आता है 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट किए 1, 9 एंड 6 एज इट इज़, तो आपके पास आंसर कितना आया 691.523। आपको पता है जीरो के पास खुद नहीं होता, वो नेक्स्ट वाले से मांगता है, क्लियर। नेक्स्ट सम अगेन बता रही, इन दोनों में से क्योंकि बीच में माइनस का है, इनमें से ये सब्ट्रैक्ट करके जो भी आंसर आएगा उसमें से ये वाली टर्म सब्ट्रैक्ट करनी है। कई बच्चे कहते हैं ये वाली टर्म में से ये सब्ट्रैक्ट करते हैं, बट कि ये रॉन्ग होता है, बड़ी में से छोटी टर्म सब्ट्रैक्ट होती है, 699 बड़ा है और 7 छोटा है इसलिए। ओके नेक्स्ट, डी पार्ट इज 829 माइनस 325 प्लस 21.728। वैसे ये सम सॉल्व करने के टू मेथड होते हैं, एक तो वो जो हमने सिंप्लीफिकेशन में सीखा था अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, बोर्ड मास में यही था ना कि पहले हम एडिशन सॉल्व करते हैं देन सब्ट्रैक्शन सॉल्व करते हैं, ऐसे करते आए ना। और जब आपके पास बोर्ड मास में ऐसी टर्म्स आई थी कि एक प्लस और माइनस था फिर प्लस था, तो वो कैसे सॉल्व करते थे आप, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को प्लस करते थे, बाद में जो भी आंसर आता था उसमें से ये माइनस कर देते थे। लेकिन क्या है कि ये जो ऐड के सम है ना, अभी इनमें से अगर आप इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करके जो भी आंसर आता है उसमें से ये प्लस कर दोगे तब भी सही आंसर आता है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि ये वाली टर्म जो है इससे छोटी थी इसलिए वो सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गई, अगर नहीं होती तब प्रॉब्लम आती। लेकिन अभी आपके सिलेबस में ऐसा कोई सम नहीं है तो हम वैसे ही चलते हैं जैसे चल रही हैं, जैसे उन्होंने पूछा कि इसमें से ये वाली टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो, जो भी आंसर आएगा उसमें से ये वाली टर्म प्लस कर दो, क्लियर। अभी हम ऐसे ही चलेंगे, जब आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो आपको आपके टीचर्स जो है वो न्यू रूल समझा देंगे। जैसे ये है कि हमने सबसे पहले अगेन इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट किया, 829.3 टर्म्स की पॉइंट के बाद उसको थ्री टर्म्स कंप्लीट कर दी, तीन तीन जीरो लगा दिए, अब क्या है ये लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गई। अब हमने क्या करना है, इसमें से ये वाली टर्म माइनस करनी है, 829.000 माइनस 325.000, जीरो में से जीरो सब्ट्रैक्ट किए जीरो, जीरो में से जीरो सब्ट्रैक्ट किए जीरो, जीरो में से जीरो सब्ट्रैक्ट किए जीरो, पॉइंट के नीचे क्या आ गए पॉइंट, नाइन में से फाइव सब्ट्रैक्ट किए फोर, टू में से टू सब्ट्रैक्ट किए जीरो, एट में से थ्री सब्ट्रैक्ट किए फाइव, तो आपके पास आंसर कितना आया 504.000। कहते हैं इस टर्म में से ये क्या कर दो प्लस, तो इसे इसके साथ क्या कर देंगे ऐड, 0+8 8, 0+2 2, 0+7 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4+1 is 5, 0+2 is 2 एंड x1 is 5, तो आपके पास आंसर कितना है 525.728। ये था वैसे जैसे उन्होंने डिमांड मांगी थी, लेकिन अगर आप, मैंने बोला था जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे किसका साइन होता है एडिशन का, अगर आप इन दोनों को ऐड करके जो भी आंसर आएगा उसमें से ये सब्ट्रैक्ट करते हो तब भी यही आंसर आने वाला है। कैसे, ये वाली टर्म में से ये वाली टर्म प्लस करते हो, दोनों को क्या करते हो ऐड, जो भी आंसर आएगा उसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी आंसर यही आना है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास की, पहले एडिशन सॉल्व करेंगे देन सब्ट्रैक्शन, क्लियर। नेक्स्ट योर एफ पार्ट, नेक्स्ट इज एफ पार्ट, 0.1765 प्लस 27.46 माइनस 24.675। अब क्या करोगे, अगेन लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करके पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 4 टर्म्स कंप्लीट करेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, जहाँ पे नहीं 4 टर्म्स वहाँ पे हमने 0 ऐड कर दी। कहते हैं इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस किया, 5+0 5, 6+0 6, 7+6 13, 3 is there 1 कैरी, 4+1 is 5, 5+1 is 6, तो यहाँ पे क्या गया 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7+0 is 7 एंड नेक्स्ट इज 2 सेम एज इट इज, तो आपके पास कितना हुआ इन दोनों को ऐड करके 27.6365। अब कहते हैं कि ये वाली टर्म है उसमें से ये वाली टर्म क्या कर दो सब्ट्रैक्ट, अब ये वाली टर्म सब्ट्रैक्ट करके इसको पिक किया और इसमें से क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट, 5-0 is 5, 6-5 is 1, 3 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, इसने इससे बोरो लिया, यहाँ पे हो गया 13, यहाँ पे हो गया 5, 13 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया 6, अब 5 था, 5 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, इसने इससे बोरो लिया, यहाँ पे हो गया 15, यहाँ पे क्या हो गया 6, 15-6 is 9 एंड 6-4 is 2, 2-2 is 0, तो ये क्या हो गया सिंप्लीफिकेशन, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी हमने वो फिलफिल कर दी और अकॉर्डिंग टू स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते गए, क्लियर। सिंप्लीफिकेशन है इसमें जो जो उन्होंने पूछा है, अगर यहाँ पे पहले सब्ट्रैक्शन पूछते हैं तो आप पहले सब्ट्रैक्शन कर दो, अगर माइनस बोलते हैं तो माइनस कर दो, अगर प्लस करते हैं तो प्लस कर लो, बस ओनली पहले उसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करके। ओके, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर टू एंड क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है, कल हम ये एक्टिविटी फिनिश करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।